Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidya Vishal. Dear students, in this class we will continue the chapter circle for class 10 and also continue the exercise 10.2. In previous class we have discussed some problem from exercise number 10.2. In this class we will continue the exercise 10.2 and question number 5. Prove that the perpendicular at the end of the contact of the tangent to a circle passing through the center. तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक सर्किल है जिसका टेंजेंट हम लिए पी क्यू एक टेंजेंट लिया गया. लेट पी क्यू इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ. Also, QR perpendicular to PQ. If possible, let PR not passing through the center. Then join OP. The question was, question tha ki prove that the perpendicular at the end of the point of contact के end पर जो हम perpendicular draw करते हैं, suppose किया गया कि RP जो है वो perpendicular है किस पर, PQ पर, वो passing through the center से pass करता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे PQ एक tangent लिया है circle का जिसका center O है. Also QR जो है वो RP जो है वो perpendicular to PQ है. इफ पॉसिबल मान लिया गया कि पी आर जो है वो सेंटर से नहीं पास कर रहा है, देन हम लोग ओ बी को ज्वाइन कर दिया. अब सिंस आर पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, देयरफोर एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो ओ बी इज अ रेडियस and PQ is tangent, therefore angle OPQ equal to 90 degrees. This one will be equation 1 and equation 2. From equation 1 and 2 you can say angle RPQ is equal to angle OPQ. Angle RPQ equal to OPQ. Just think, can it is possible? क्या यह संभव है? No, because we had learned already, a part is never equal to the whole. एक part जो होता है वो कभी भी whole के बराबर नहीं होता है. तो यह कभी संभव है जब O जो है वो RP पर lie करेगा. It is possible only when O lies on RP. So our proposition is wrong. Hence the perpendicular at the end of the contact, hence the perpendicular at the end of point of contact
पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्किल, पासिंग थ्रू थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यू कैन फाइंड दिस एज क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहां पर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस दिया हुआ है और रेडियस पूछ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को बना सकते हो, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है जिसके रेडियाई दिए हुए हैं 5 एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हम लोग को लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है टू द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो यहाँ सबसे पहले जो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल को लेकर, अगर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं पता हो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल? सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल 2 और 4 सर्किल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इफ दे हैव सेम सेंटर। यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें रेडियाई जो है बोथ सर्किल का दिया हुआ है। हम तो यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लिए और फर्स्ट का रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया 5 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्किल का रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। सपोज ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल एट पी। कॉर्ड ए बी फॉर द लार्जर सर्किल टचेज द स्मॉलर सर्किल एट पी, सेंटर ऑफ द बोथ सर्किल्स आर सेम। हियर द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। नाउ लिसन केयरफुली हियर, सिंस पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर ए बी, सो ए बी इज अ टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्किल एंड ओ पी इज रेडियस, सो दिस विल बी 90 डिग्री। ऑल्सो यू नो दैट द परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट, इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, देयरफॉर ए बी जो होगा इज इक्वल टू बी पी होगा। अब यहाँ पर ए पी और बी पी बराबर हो गए, आप राइट एंगल ट्रायंगल में जाओगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर ए पी को फाइंड कर लोगे। जब ए पी यहाँ पर निकल जाएगा, ए पी जब हमारा पता चल जाता है तो हम आसानी से 2 times ऑफ ए पी कर लेंथ ऑफ ए बी यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल यानी कि ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्किल, दैट इज सर्किल इज इंस्क्राइब्ड ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड सब क्वाड्रिलेटरल। द ए बी टचेज द सर्किल एट बी, बी सी एट क्यू, आर एस। We have to prove here, हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है, to prove that
AB plus CD is equal to BC plus AD. For this, as you know, the tangent from an external point are equal. आप जानते हो कि external point जो हम tangent draw करते हैं वो equal होते हैं. We know that tangents from an external point are equal. External point are equal. Okay, therefore you can say AB equal to AS, equation 1. The remaining part of AB is BB. So BB को left में रखेंगे, BB is equal to BB, equation 2. The remaining part of BC is CQ. CQ को right में रखेंगे, CQ is equal to CR. The remaining part of CD is DR. DR को हम लोग left में रखेंगे, DR is equal to DS. इस तरह से हम लोग को फोर इक्वेशंस यहाँ पर मिल गए. बाई एडिंग दीज इक्वेशंस ए बी प्लस बी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. ए बी प्लस बी बी इज इक्वल टू ए बी. सी बी सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू सी बी. ए एस डी एस इज इक्वल टू ए डी एंड बी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू बी सी. प्रूफ. इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हुआ. हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.